नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे, हमारे एक लर्नर हैं सुहास राव जी जो कि पुणे से हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, उसी सवाल के हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका कहना है कोई मेरा पर्टिकुलर फाइल सिर्फ मेरे कंप्यूटर में ही ओपन हो, किसी और कंप्यूटर में ओपन ना हो। जी हाँ, सिर्फ मेरे कंप्यूटर में ही ओपन। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि दिस वर्कबुक में गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ओपन, और हमने यहाँ पे दिया कि यहाँ पे कि इफ मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट का फंक्शन था, इसी को लेता हूँ। इसमें कंप्यूटर नेम के जगह पे मैं यूजर नेम दूँगा, यूजर नेम इक्वल टू मेरा डेल, नॉट इक्वल टू, माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू दैन, यहां पे दिया मैसेज MSG बॉक्स Not open on user name, और यहां पे हमने बोल दिया एक्टिव वर्क डॉट पासवर्ड में हमने 123 कर दिया, यहां इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल 123 या जो भी पासवर्ड देना चाहे, और आप साथ में ही एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू कर दें तो सेव हो जाए, और यहां पे एंड इफ कर दें। ये हमने करके दे दिया, ये फाइल उनके पास वर्क भी कर रहा है। जी हाँ, ये वर्क भी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनका कंप्यूटर डोमेन पे है, मतलब कि किसी भी कंप्यूटर के ऊपर जाके वो अपना लॉगिन कर सकते हैं। उनका सर्वर सिस्टम है, एक पीसी सिस्टम नहीं, सर्वर सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने सेम फीचर्स यहाँ रखेंगे, और सेम फीचर्स में हम यहाँ पे कंप्यूटर नेम दे देंगे। जी हाँ, जिससे पहले कंप्यूटर नेम था, कंप्यूटर नेम दे देंगे। तो ये क्या करेगा कि आपका कंप्यूटर नेम उठाएगा, कहाँ से उठाएगा? तो कंप्यूटर नेम उठाएगा आपका, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेगा, प्रॉपर्टीज पे जाएगा, और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद ये रहा कंप्यूटर नेम, इस नेम को उठाएगा, जो कि किसी विंडो का पार्ट होता है, विंडो स्टेशन का पार्ट होता है, और हर पीसी का ये अलग अलग होता है। जी हाँ, अलग अलग होता है। फिर सिस्टम नेम उठा लेगा, लेकिन यूजर नेम क्या था? जो लॉगिन होता है उस लॉगिन को उठाता है, जिससे आप लॉगिन करते हैं ना, उस लॉगिन को उठाता है। तो कैसे पता चलेगा कि लॉगिन क्या है? तो यहाँ सी ड्राइव में यूजर्स में ये रहा डेल, इसको उठाया इसने। एक कोड ध्यान से देखिए, हम क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे वर्कबुक और ओपन पे लगाया, हमने पहला लगाया यूजर नेम पे कि एनवायरनमेंट यूजर नेम और नॉट इक्वल टू, हमने बोला डेल। अगर यूजर नेम जिस फाइल पे ओपन हो रहा है उस कंप्यूटर का अगर लॉगिन आईडी डेल नहीं है, तो मैसेज देके दिस फाइल नॉट ओपन योर यूजर नेम या ओपन योर सिस्टम, और एक्टिव वर्कबुक में पासवर्ड डाल दे और फाइल को तुरंत क्लोज कर दे। और दूसरा कि अगर इसका कंप्यूटर नेम, जो यहां पे अपने हिसाब से अपना कंप्यूटर नेम डाल सकते हैं, कंप्यूटर नेम नहीं हुआ तो मैसेज बॉक्स दे और यहीं पे फाइल को पासवर्ड डाले और फाइल को क्लोज कर दे। जी हाँ, अब कुछ लोगों को ये स्क्रीन दिख नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं मैग्नीफायर से
एक बार इसको बड़ा कर देता हूं। जी हाँ, इस कोड को ध्यान से आप लोग पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर दीजिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कुछ पूछना हो या हमारे रिकॉर्डेड पेन ड्राइव परचेज करना हो या फिर हमें ज्वाइन करना, हम जूम के साथ लाइव क्लासेस देते हैं। जी हाँ, लाइव क्लासेस, जूम एंड गो टू मीटिंग, दो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसके जरिए हम क्लासेस देते हैं, आप मेरे साथ लाइव कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू।